तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण। बीजेपी में एनडीए में कितना परिवारवाद, जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं। ये तुष्टिकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगाते हैं। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे, ये आंख मिचोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे, मगर उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट। किरण रिजिजू पूर्व विधायक प्रोटेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अभिव्यक्त व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। ये तुष्टिकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण। ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का, जो आकांक्षा है उसका दमन करती है, हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद, जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं मोदी, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं मोदी कैबिनेट मंत्री, किरण रिजिजू पूर्व विधायक प्रोटेम स्पीकर
रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, खुद भी विधायक है। केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक है महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे। भारती प्रवीण पवार, पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है। आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो है वो विधायक है महोदय। बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद, जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं। आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फर्नांडिस के पिता गंगाधर फर्नांडिस पूर्व एमएलसी रहे महोदय। इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय। सांसद अशोक यादव, उनके पिता हुकुम देव नारायण यादव। इन सांसद संजय जायसवाल, उनके पिता जो है मदन जायसवाल। 18 नंबर 18 नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा, पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय। रीता बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है महोदय। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री है महोदय। आपके सांसद राजवीर सिंह, उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय। आपके सांसद प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय। सांसद पूनम महाजन, प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय। रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या, आपके सांसद है महोदय बीजेपी से। अभिषेक सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे। बी वाई राघवेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा के बेटे। जयंत सिन्हा, पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे। लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है महोदय। सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पटेल के सूर्य विखे पटेल जो है वो सांसद है महोदय। तो इस हिसाब से ये पूरा परिवार बात। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए, श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए, नीरज सिंह कौन है बता दीजिए, उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए, नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्र वधु सुनील सिंह एक्सएमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। Yeah.